और ये बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। इसी कार्यकाल में मोदी सरकार 3.0 कार्यकाल में ही लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को केंद्र ने हरी झंडी दिखा दी है। शीतकालीन सत्र में अब सरकार बिल लेकर आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन, देश एक चुनाव एक, यानी कि सिर्फ एक चुनाव के जरिए ही देश में राजनीतिक दशा और दिशा तय की जाएगी। यानी कि चुनाव का जो भार है, चुनाव करवाने का जो जिम्मेदारी है, वो सीमित किया जाए। एक ही चुनाव में, एक ही चुनाव का बोझ देश की आवाम के ऊपर जाए। अलग अलग चुनाव हर राज्य में, कभी ना कभी चुनाव चलता रहता है, एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, और इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन सरकार लेकर आने की प्लानिंग कर रही है, मंजूरी दे दी है। कब कितने चुनाव हुए देश में वो आप इस ग्राफ के जरिए देख रहे हैं। 1951 से 60 के बीच में देश में 25 चुनाव हुए, 1961 से 1970 के बीच में 46 चुनाव हुए, 1971 से 1980 के बीच में 71 चुनाव हुए, 1981 से 1990 के बीच में 59 चुनाव हुए। एक देश एक चुनाव से क्या फायदा, 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होगा। सभी राज्यों की विधानसभा का जो कार्यकाल है 2029 तक बढ़ाया जाए। दूसरे फेज में 100 दिन के अंदर लोकल बॉडी के चुनाव हो सकते हैं। और 2021 से 2023, देखिए 2 साल के अंदर ही 21 चुनाव देश देख चुका है। चुनावों पर होने वाला खर्च बचेगा, सरकारी संसाधनों की बचत होगी। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होगा। चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ना सिर्फ सरकारी खर्च कम होगा, जनता के ऊपर से बार बार चुनाव का जो बोझ है वो हटाया जाएगा, जो सरकारी संसाधन है उनका बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। कभी इस राज्य में विधानसभा चुनाव, कभी देश का लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर अलग अलग राज्य में विधानसभा चुनाव, तो ये तमाम चुनावों में जो मशीनरी उलझी रहती है और उसका भार कम करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव दिया गया था। शंकर आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शंकर, ये हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो बीजेपी है, मोदी सरकार है, कितनी प्रयासरत है, लेकिन क्या अब मोदी सरकार 3.0 में इसको लागू करवा पाना इतना आसान रहेगा? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव इस मामले को लेकर, ये जो इस मामले की अगर बात करें तो बीजेपी सरकार की ये एक प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है, और बीजेपी सरकार लगातार इस मामले को लेकर पिछले चुनावों में भी इस मामले को चर्चा करते रही है। और जिस तरह से कैबिनेट में इस मामले को रखा गया था, कैबिनेट में इसमें एक कहा जा सकता मोहर भी लग गई है, लेकिन इसे अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसे अगर कानून बनाने के लिए, अगर कानून बनाने के लिए तमाम जो प्रावधान की अगर बात करें तो थोड़ा सा इसमें मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन उसमें तमाम जो रास्ते जो हैं वो बीजेपी के पास खुले हुए हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो 2029 का जो चुनाव होगा वो बेहद लोकप्रिय हो सकता है, क्योंकि उस वक्त में तमाम, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, वो अगर एक साथ होता है तो देश में एक अलग ही स्तर का जो चुनाव होगा, और वो देखना लाजमी होगा कि वो किस तरह से चुनाव होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी सरकार, चाहे बात करें पिछले कुछ चुनाव की अगर बात करें, बीजेपी सरकार का जो एजेंडा रहा है, बीजेपी सरकार के द्वारा लगातार ही कहा जाता था एक राष्ट्र एक चुनाव का जो एक नारा दिया गया था, इस मामले को लेकर चर्चाएं होती थी, तो कहीं ना कहीं इस मामले पर बीजेपी सरकार उन तमाम वादों को पूरा करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव का इस लाने का जो मेन मकसद था कि चुनाव के दौरान में काफ़ी पैसे का खर्च होता है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है और सरकारी अधिकारियों को कई बार अलग अलग लगाया जाता है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सरकार उस वक्त में ये इस बात को लेकर चर्चा कर रही थी कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव अगर तय होगा तो देश का जो पैसा है, जो बजट है, जो खर्च है, वो कम होगा।
एक बार चुनाव होगा, उस बार में उसी बार में तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें। तो तमाम जो मसले हैं उसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार के द्वारा जिस तरह से चुनाव के पहले भी जो नारे दिए गए थे तो उसको अब सिद्ध होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी इस मामले में जो कानूनी अड़चने हैं उसको कैसे और आगे पूरा किया जाए, इस मामले पर और कैसे इसको इस सही किया जाए, इस मामले पर जितना जल्द से जल्द इसे लागू करना होगा। तो संसद के जो शीतकालीन सत्र है जी, केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव, तो शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। एक तरफ देखिए जम्मू कश्मीर में आज चुनाव के लिए वोटिंग का देखने को मिल रही है, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक बैज जी, मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? जी हेलो जी, दीपक बैज जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहना है आपका? मुझे आप बता दीजिए, जम्मू कश्मीर में ये लोग दावा करते हैं कि हम लोगों ने 170 370 हम लोगों ने हटा दिए, ठीक। उसके बाद क्या हालत है वहां पे, कितने साल बाद चुनाव करा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये जम्मू कश्मीर जैसा जगह में सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट हस्तक्षेप है, वहां चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। ये लोग बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तेलंगाना जैसा स्टेट में आप मतलब लोक तीन स्टेट हुआ, लोकसभा के 6 महीने बाद हुआ, पहले हुआ लोकसभा के 4-5 महीने के बाद, दोनों डिफरेंस है, उसको नहीं करा पाए। मतलब ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये एक पॉलिटिकल, देखिए इनके पास कोई एजेंडा है नहीं, ये पॉलिटिकल स्टैंड है इनका, इनके पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है। बहुत से राज्य है जहां पे लोकसभा और विधानसभा का करीबन 3-3 साल 4-4 साल का डिफरेंस है, उस जगह कैसे करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन?